हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं मंगलवार को चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्कूल खोलने और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने जैसे मुद्दों पर बात की। कर्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में स्कूल बंद करने का भी कोई फैसला नहीं लिया गया, अभी कोरोना को लेकर स्थिति ठीक चल रही है, अगर आगे स्थिति बदलती है तो फैसला बदला जा सकता है। फिलहाल सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है। वहीं नए सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पहली से दूसरी क्लास के एग्जाम के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये एग्जाम मौखिक होंगे। वहीं कई जगह किसानों द्वारा किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि न कोरोना वैक्सीन में कोई कमी है, न ही किसान कानून में, इन दोनों का विरोध बेवजह हो रहा है। देखिए, अभी तक कुल मिलाकर ठीक चल रहा है, लेकिन अब अगर कुछ इस प्रकार का कोई परिस्थिति बनती है, सामने आती है कोई, तो निश्चित तौर उस पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। मंत्री जी, पिछला साल जो है वो बच्चों का पूरा साल घर से ही पढ़ाई रही, ऑनलाइन पढ़ाई रही, ऐसे में नए सत्र को लेकर क्या कुछ प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है, किस तरह से रहेगा, क्या इसी चीज को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नए सत्र के दाखिलों को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो की जा रही है? देखिए, तैयारियां हमारी है, अप्रैल के लास्ट में हम एडमिशन शुरू करेंगे और हमारा इरादा तो है कि हम सीधा स्कूल अपने खोल लेंगे, जिस प्रकार से आज खुले हैं स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि यही निर्णय रहेगा, जैसी परिस्थितियां होंगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। उसमें जिद कर रहे हैं, अब नई नई बातें उभर गए रही सामने। अभी मैं सुबह एक वो देख रहा था, अपना असंद का था, तो वहां जो डॉक्टर थे वो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने गए, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और उस वैक्सीन में ही कमी बता दी और कहने लगे कि कोरोना कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया जहां कोरोना से भयभीत है और पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा संकट है, और अगर कोई आदमी ये कहे कि कोरोना है ही नहीं, तो इस प्रकार से जो बहकाने का काम कर रहे हैं ना जी, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अपने गाँव में इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। तो ये सारी की सारी, ये खाली वैक्सीन की नहीं, कानून भी ऐसी है, कानून के मामले भी यही है, ना तो उसकी जानकारी है कि कानून क्या है और ना ही वैक्सीन की जानकारी है, लेकिन दोनों की चीजों के एक्सपर्ट बन रहे कि वैक्सीन के बारे में भी राय हम देंगे कि ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये तो डॉक्टर का काम है, वो जानता है।